Hi guys, good morning everyone. This side Sakshi Dhanjal. Obviously, I'm staying with this beautiful property, Old Monks. आपको रिवर की आवाज़ तो आ रही होगी. जस्ट इस पहाड़ी को क्रॉस करके पैदल का रास्ता है पीछे से रिवर का, एंड दैट इज पुष्पभद्रा. एंड इनके 5 कैंप है, विच इज एक्चुअली वेरी वेरी नियर टू रिवर साइड. हाँ, और ये सारे एप्पल ट्रीज हैं. सो टुडे आई एम गोना कवर 5 बेस्ट प्रॉपर्टीज जो बजट में होगी, जहाँ आप स्टे कर सकते हो, और सो सारी अपने तरह में होंगी, मतलब डिफरेंट काइंड ऑफ प्रॉपर्टीज, एंड इट्स गोना बी अमेजिंग. आई एम प्रीटी श्योर अबाउट इट. सो जिब्बी के आसपास हम कवर करेंगे, बेसिकली जिब्बी के आसपास पूरा, सो दैट यू कैन गेट एन आइडिया कि अगर आप यहाँ आ रहे हो तो आपको कैसा रहेगा. कि मैं ब्रेड साथ डन आई गेस. सो जब मैं कैंप के अंदर जाती हूँ, सो दिस इज द व्यू विद द कार्पेट विद द बेड शीट, एंड यू नो दिस इज समथिंग लाइक ऑब्वियसली बेड शीट हर जगह होती है, एंड यू वांट टू स्टॉप लाफिंग पीपल, एंड दिस इज लाइक यहाँ से ना ये चारों खुल सकते हैं, एंड यू कैन गेट द व्यू, एंड विद द ह्यूज वॉशरूम, ट्रस्ट मी. सो गाइस द सेकंड प्रॉपर्टी विच इज वांडर हाउस. और पता है यहाँ का बेस्ट क्या है, यहाँ के व्यू के अलावा, पहली चीज यहाँ पे जो होती है वो स्नोफॉल होती है, और स्नोफॉल का टाइम निखिल, स्नोफॉल का टाइम तो मेरा दिसंबर एंड और जनवरी फर्स्ट वीक रहता है ना, सबसे फरवरी मिड तक पूरा बर्फ रहता है. अच्छा, लास्ट टाइम मेरे को नहीं मिला था, नहीं क्योंकि मुझे मिला था बर्फ. तो निखिल इज लुकिंग आफ्टर दिस प्रॉपर्टी, दिस इज द मैन, एंड निखिल से हाय फॉर द कैमरा एक्चुअली. सो मुझे जो बर्फ मिला था ना, वो मुझे ऊपर ही मिला, क्योंकि मैं यहाँ पे, हाँ जलोरी में, मैं यहाँ थी जनवरी 9 तक, तब मुझे लास्ट ईयर बर्फ नहीं मिला, इस बार बर्फ था, इस बार बर्फ था, क्योंकि इस बार सारी जगह बर्फ, स्नोफॉल बहुत ज़्यादा हुआ है. सो इनकी अभी क्या कहते हैं, जो मोस्ट बेस्ट जो रूम है, और यहाँ पे क्या खास है मैं आपको वो दिखाती हूँ. मतलब दिस इज़ वन ऑफ माय फेवरेट रूम. अगर तुम डबल यहाँ पे रूम ऑक्यूपेंसी में देखना चाहो और फैमिली स्टे के साथ देखना चाहो, तो दिस इज द रूम आई लव द मोस्ट. सो ये अगर फैमिली ऑक्यूपेंसी के लिए देखना चाहो ना, सो ये रूम बहुत ही प्यारा है. अगर आप तुम देखोगे ना, सो यू विल रिमेम्बर समथिंग, आई वॉन्ट टेक द नेम. सो फैमिली अगर आ रही है, देन दिस इज परफेक्ट फॉर देम. एंड इनका सबसे बेस्ट चीज, ये रूम जो है वो बालकनी के साथ है, अटैच वॉशरूम एंड टॉयलेट, वो भी मतलब गर्म पानी के साथ, और इसके अलावा द बालकनी. तो है ही बहुत मार्वेलस बालकनी का. और अगर आप 2 मिनट की नेचर की आवाज सुनोगे ना, आपको नीचे की तरफ से पानी की आवाज जाएगी, क्योंकि यहाँ से जस्ट मतलब पानी दिखेगा नहीं, बट रिवर यहीं पर है, उनके सामने आई गेस थोड़ा बहुत दिख जाएगा, बट व्यू ब्रेड टेकिंग है यहाँ का. और ये सेकेंड बेस्ट क्यों यहाँ का, मतलब क्योंकि इसके अपनी खासियत है कि ये डबल डेकर रूम सेंट के पास. तो गाइस एक टीवी है इनका, एंड दिस इज ऑलमोस्ट लाइक 3500 विद अटैच टॉयलेट बाथरूम, एंड दिस इज ऑफ द 3500 आपको पड़ेगा, या 3000 से लेके 3500 तक की रेंज पड़ जाएगी. आई गेस इसमें आपका एक 2 इंसान एक्स्ट्रा रुक सकते हैं, मतलब 4 लोग रुक सकते हैं आराम से, वैसे ट्रिपल शेयरिंग बेसिस पे. हाँ हाँ. सो मैं यहाँ से जा रही हूँ अपनी थर्ड लोकेशन पे गाइस, और मतलब जिब्बी जो है ना पूरा का पूरा वो ऑफ रोडिंग मोस्टली है, तो तुम लोगों को एक चीज याद रखनी पड़ेगी कि टैक्सी आराम से आप लोगों का ले लेगी 1,700 रुपये पर डे का, 700 से 1,000, डिपेंड्स अपॉन द सीजन ऑल्सो. एंड दूसरी चीज, अगर आपको टैक्सी चाहिए तो आपको प्रॉपर्टी वाला भी हेल्प कर देगा. तीसरी चीज सबसे इम्पॉर्टेंट, लोकेशंस जो है गूगल मैप्स की, आई एम गोना शेयर ऑन डिस्क्रिप्शन हर प्रॉपर्टी की, यू कैन चेक. मैं जा रही हूँ अपनी थर्ड प्रॉपर्टी पे आज की, जो कि टानी में है और जो कि ट्री हाउस है. मैं 5 यहाँ की अलग अलग प्रॉपर्टीज करने वाली हूँ, जो कि मतलब पूरा उनका बेस एक दूसरे से डिफरेंट. और एक चीज़ और, मैं जिन कैंप्स में रह रही हूँ लॉर्ड मॉन्क के साथ, सिर्फ उसी में अटैच टॉयलेट वॉशरूम है. अगर आप कैंप साइट ढूंढोगे ना, तो इतना बड़ा टॉयलेट वॉशरूम पहली चीज़ कहीं नहीं है, और एक ही और दूसरी प्रॉपर्टी पर है. और दूसरी चीज़,
हमारी प्रॉपर्टी पर ही, मतलब टॉल मॉल के साथ या बोर्ड टॉयलेट वॉशरूम अटैच हो गया, वो भी अच्छा फैसिलिटीज के साथ। जस्ट रोल हमारी हाफ एन आवर में जल्दी से नेक्स्ट लोकेशन आ जाएगी। गर्म पानी भी अवेलेबल है, सो यहाँ बर्फ पड़ती है। कितने किलोमीटर होगा सिटी से अराउंड? 7 किलोमीटर। बट मतलब रास्ता पूरा ऐसा है कि सिर्फ आपकी कैब आ सकती है, बसेस नहीं आती। तो कैब कितना चार्जेस लेती है जीपी से? 500। और बंजार से? बंजार से 1000। ये खुलेगा कैसे? जोर से धक्का मार। बाहर मेरा हाथ में ना जाए। दिस इज द व्यू। हां यार, ऐसे रील बनती है ना लड़के, है ना? क्या रील बनती है? प्रॉपर्टी में जा रही हूँ चौथी आज दिन की। ऊपर शाम के 5:30 बज रहे हैं और रोड माशाल्लाह है। मैं आज की 4th प्रॉपर्टी पहुंच चुकी है, जो बिल्कुल हमारी रिवर के साइड पर है। एंड दिस इज गोना बी मार्वेलस यार। तो ऊपर जियो देसिक डोम्स, ये जो है डोमेट्री है 900 पर बेड है। 800 to 900 का आपको रहेगा, डिपेंड अपॉन द सीजन। एंड पता है सबसे बेस्ट चीज़ क्या है? यहाँ का व्यू बहुत प्यारा है। अगर अपनी डोमेट्री खोलो एंड यू जस्ट गेट दिस वाला वाइब्स। और रिवर तो यार है ही साइड में, प्लस इन्होंने आप लोगों को ये दे रखे हैं जिसमें आप सामान रख सकते हो आराम से। एंड जब मैं बाहर निकलती हूँ सो ऑब्वियसली व्यू जो है वो ब्रेड टेकिंग है। सो गाइस ये वाला 600 है एंड इस अगेन आप वाइप चेक करो इस प्लेस की। सो इधर कॉमन वॉशरूम्स तुम्हारे दोनों डोमेट्री? अच्छा अपना रूम। एंड ट्रस्ट मी दिस इज मार्वेलस व्यू। आप ऊपर चेक करो, अभी तो मेरा 0.5 एक्टिवेट नहीं है बट यू नो यू विल लव इट। एंड अभी अगर मैं अंदर जाऊँ वॉशरूम की तरफ सो यू कैन चेक आउट लाइक वाओ। आई मीन इट्स वर्थ लाइक 6,000 rupees पर नाइट। एंड 6,000 पर नाइट में मैं आपको बता देती हूँ, एंड यू नो इट्स मतलब आप अंदर जलोगे नहीं, दे हैव मेंटेन्ड इट। लुक एट दिस वाला एरिया गाइस, मतलब दिस इज मतलब पर तुम्हारी बेस्ट थिंग पता क्या है? ये कपड़ा मतलब ये गर्म नहीं होने देगा इसको बिल्कुल भी, और मतलब टेम्परेचर मेंटेन रहेगा। एंड यू हैव केप्ट द एसीज एंड ऑल, मतलब अभी अच्छा गाड़ी नीचे तक आ सकती है बट अगर आप अपनी ला रहे हो, अदरवाइज तो आपको बताइए टैक्सी और उसके रेट्स क्या चल रहे हैं। अच्छा ये सर गाड़ी उठाने की कोशिश कर रहे हैं, 3, 2, 1 गो उठ जाएगी एंड गाड़ी नीचे तक आ सकती है। एंड आई लव माई कार यार। एंड टैक्सीज एंड ऑल के रेट सीजनल वाइज मतलब 700, 1000 पर डे एंड ऑल के रेट्स रहते हैं, तो आप लोग कंसर्न कर सकते हैं उस चीज़ को। प्लस हमें लास्ट प्रॉपर्टी जाऊंगी आज की एंड दैट इज़ गोइंग टू बी काइंड ऑफ अ होम स्टे विद देसी फूड एंड देसी तड़का। लेट्स गो टू द लास्ट प्रॉपर्टी ऑफ द डे। शाम हो चुकी है, आई नो द मार्वलस प्रॉपर्टीज जो जो मैंने कवर करी है, देर आर मतलब सारी बहुत प्यारी है। एक इनका ये वाला रूम बहुत ओखा मतलब आई मीन बहुत सुंदर है, बट द थिंग इज अभी लोग हैं, सो दिस इज गोना बी ऑन द लिस्ट टुमारो। मैं आऊँगी पक्का यहाँ पे। एंड इट्स जस्ट लास्ट प्लेस टू कवर लाइक 5th प्रॉपर्टी ऑफ द डे, इट्स डैनीज कॉटेज। एक्चुअली इनका पैटर्न होमस्टे टाइप्स है बट यू नो डैनीज हु इज रनिंग द प्रॉपर्टी ही इज नॉट हिमाचली, सो ही वॉन्ट टू नेम इट कॉटेज। बट यहाँ पर ट्रस्ट में देसी खाना मिलता है। लेट्स गो इनसाइड, सो इट्स ऑल विद द व्यू गाइस।
यहाँ पे ऊपर तीन रूम्स हैं। डैनी मुझे रेट्स बता दो एक बार प्रॉपर्टी के, वैसे सेलिंग प्राइस क्या है, अटैच विद टॉयलेट बाथरूम ऑब्वियसली एंड गीजर ऑल्सो। बाकी द व्यू इज आउटसाइड सो यू कैन एक्चुअल स्टे। हाँ वो तो हमने इन्वॉल्व करना ही करना है एंड दिस इज लाइक द अदर वन। एंड ऊपर से इनका इन हाउस कैफे है जिसमें आप यू नो फूड ऑर्डर कर सकते हो। अगेन द पुष्पतरा रिवर है तो रूम से बाहर निकलते ही व्यू, द सिटिंग एरिया ऑल्सो इज अराउंड द रूम। The range is around 2500 per person and that's their cafe area and sitting area. यहाँ से आप ऊपर आ सकते हो and personally सामान रखने की जगह। It's just too much. तो ये आज की last property guys. And I guess मैंने आज 5 different type of properties cover करी है। आपको सबसे best कौन सी लगी मुझे कमेंट करके बताओ फटाफट से। Well thank you so much for watching and sharing and commenting. See you tomorrow with new place next vlog. क्योंकि कल कुछ स्पेशल है एंड बाकी डिटेल्स अबाउट द प्रॉपर्टी यू कैन गेट इन डिस्क्रिप्शन।